हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में। मतलब दो मैट्रिक्स मेरा इक्वल कब होता है, कौन से कंडीशंस में दो मैट्रिक्स मेरा बराबर होता है, उसे हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक्चुअली ये मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इस तरह से, एंड B इजकल टू बी आई जे, इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, दे आर द सेम ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इच एलिमेंट ऑफ A, मतलब मैट्रिक्स A का एलिमेंट जो होगा वो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट B के इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई इजकल टू जे। कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। एक मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी इज इक्वल टू सी, सॉरी इसको ले लेते हैं 1 2 4 5। यदि आपसे बोला जाए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, इक्वल होने के लिए कंडीशंस ये होना चाहिए कि इस दोनों का ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 मतलब दो रो और दो कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2x2। अब बोला जाए ए इज इक्वल टू बी है, राइट, बिल्कुल होगा, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसके जस्ट का सामने का वैल्यू क्या है 1, बी इज इक्वल टू इसके जस्ट सामने क्या है 2, और सी इज इक्वल टू क्या होगा 4, और डी इज इक्वल टू 5। ये इसका वैल्यू निकल गया। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल रहेगा तो हम इस तरह से ले सकते हैं, राइट। एक एक क्वेश्चन के थ्रू इस प्रॉब्लम को और फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स में हमें इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है कब, जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो। आपको पता है अभी जस्ट आपने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हो तो इसका क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब ए 1 के इक्वल होता है और बी इसके जस्ट सामने वाले के इक्वल होता है। और यदि ये दोनों इक्वल एलिमेंट है तो इसका पहले ऑर्डर हम चेक करेंगे कि ये मेरा इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। लिख लेते हैं गिवन दिया हुआ है मेरा ए इक्वल टू एक्स प्लस 4 3 4 वाई माइनस 5 एंड बी इक्वल टू 4 3 4 6 दिया हुआ है, राइट। हमें इसका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है 2x2, मतलब इसका दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल होगा। यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू जस्ट 4। इसे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 4, मतलब x का वैल्यू मेरा 0 निकल गया, x इक्वल टू 0, और y माइनस 5 किसके इक्वल होगा, जस्ट इसके इक्वल होगा 6 के इक्वल, वाई माइनस 5 इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, ये माइनस है ब्रैकेट इक्वल के ऊपर जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 11 हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया 0 एंड y का वैल्यू निकल गया 11। ये मेरा आंसर हो गया, राइट। दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, मतलब दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, थैंक यू। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।